चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इग्नो में एग्ज़ाम सेंटर कैसे चेंज करें। अगर आप भी चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि एडमिशन कराते समय लोग बहुत सारे जल्दबाजी कर देते हैं, या तो जिनको ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो उनको जानकारी नहीं, उन्हें समझ में नहीं आता है और उन्हें इग्नो का फॉर्म कभी भरे ही नहीं है, तो वो कहीं गलत या कहीं अन्य जगह दे देते हैं, जो कि एग्ज़ाम सेंटर, जो कि आपको बहुत सारे दिक्कत होती है और बहुत सारे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बट आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी इग्नो से हैं और आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप जहां भी हैं, जिस जगह देना चाहते हैं, तो आप वहां से एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अपना एग्ज़ाम सेंटर उन्हें पता नहीं होता है और कहीं कहीं जो कि वो साइबर वाले होते हैं, जो फॉर्म भरने वाले होते हैं, वो डाल देते हैं और दे देते हैं। इससे बहुत सारे लोग, छात्र हैं या छात्रा हैं, बहुत सारे घबरा जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम सेंटर यहाँ देता और हमें यहाँ चाहिए था, हमें अच्छा रहता और हमें यहाँ एग्ज़ाम सेंटर अगर देता तो हमें ईजी और आसानी रहता। इससे बच्चे बहुत सारे परेशान होते हैं। बट अब क्या हो गया है कि इग्नो की तरफ से जो कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, आप अब एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी टाइम से भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, ये इग्नो दे रहा है, बट बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज होता तो कैसे होता है। बट हम आज आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप जो कि एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना बहुत ईजी है और बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप ऑल इंडिया, जो कि जहां भी हैं, आप वहां से एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं, एग्ज़ाम सेंटर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मैं हम आपको बता दूं कि जैसे अगर आपका दिल्ली है और आपका दिल्ली अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो या तो आप दिल्ली एग्ज़ाम सेंटर डाल दिए हैं, आपका एग्ज़ाम दिल्ली फेंक दिया है, बट आपको मुंबई देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुंबई ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी आप जो कि मुंबई अपना जो कि सेंटर चेंज कर सकते हैं, जो कि पोर्टल पर आकर। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बिहार से हैं और बिहार में कहीं भी ज़िला में, अगर जैसे मैं आपका रोहतास ज़िला, आरा ज़िला, भभुआ, सीतामढ़ी, अगर आपका कहीं भी इधर सेंटर फेंक दिया और चाहते हैं कि हम वहाँ पटना में अपना सेंटर हमारा जो कि हो जाए, तो आप इजीली सेंटर अपना दे सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि घर बैठे हुए अपने ही या मोबाइल या लैपटॉप से। चलिए, कैसे आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है वो हम आपको तो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि कैसे आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले नंबर तो आपको एक ब्राउज़र खोल देना होगा जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र, और आपको लिखना है यहाँ इग्नो एग्ज़ाम सेंटर, आपको इग्नो लिख देना है। इग्नो लिखने के बाद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको जो कि ऑफिशियल वेबसाइट आपको इग्नो का मिल जाती है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अब जिस ही क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से आ जाता है और आप यहां से भी पूरा देख सकते हैं। यहां आपको होम, अबाउट इग्नो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां आपको मिल जाती है, री रजिस्ट्रेशन, जिनका री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप यहां से अब आसानी से री रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, यहां यूजर आईडी पासवर्ड देके। उसके बाद हमें जो कि चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपको ऊपर में मिल जाती है, यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है होम अबाउट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा अबाउट फॉर फाइल अदर स्कूल स्टडी मटेरियल, जिनको स्टडी मटेरियल नहीं मिले है तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ जो कि चेंज करना है, तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इंटर एग्ज़ाम, इंटर एग्ज़ाम के ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको कुछ पीडीएफ में आ जाती है, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं कुछ आपको मिल जाती है, यहाँ आपको इसके बारे में जानकारी आपको अच्छे से ले लेना है। उसको देख सकते हैं यहाँ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद आपको चेंज टेस्ट आपको मिल जाती है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो ये हमारा काम नहीं कर रहा तो हम फिर से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आपको स्टडी सेंटर मिल जाती है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ आपको ओपन होने पर थोड़ी वेट करना है, उसके बाद आपको खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर यहाँ से आपको क्लिक कर देना होगा प्रॉम्प्ट प्रोफाइल स्टडी, इस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ हमारा फाइनली जो कि क्लिक कर दिए। अब क्लिक करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर आपको
जो कि अब यहाँ से आपको, अब यहाँ इंटर इनरोलमेंट नंबर आपको भरना है, इनरोलमेंट नंबर भर कर प्रोग्राम डेट आपको भर कर यहाँ यहाँ चेक स्टेटस पर क्लिक कर देना होगा। अब जिस ही चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ चेंज का ऑप्शन आ जाएगी, वहाँ से आप जो कि अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अभी एग्जाम सेंटर की चेंज करने की ऑप्शन नहीं दे रही है। जैसे आपका एग्जाम, जिस ही एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो आपको 10 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर जो कि एग्ज़ाम सेंटर जो कि आपको दे देता है जो कि चेंज करने का ऑप्शन। जब तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता तो 10 दिन पहले आपको जो कि ऑप्शन आती है और यहाँ आपको लिंक एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरह से फिर आप एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो पूरी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।